हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही है, अभी ये यूनिवर्सल चैंपियन द फिट ब्रे वाइट और उन्हें हराना कितना ज्यादा मुश्किल है वो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, और आप सब देखते हुए आ रहे हैं वो फिन बैलर, सेथ रॉलिंस, डेनियल ब्रायन जैसे बड़े सुपरस्टार्स को हराते हुए आ रहे हैं। और अब सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर द फिट ब्रे वाइट से कौन छीनेगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप उन्हें हराकर। और गाइस, आज की इस वीडियो में इन्हीं पांच सुपरस्टार्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि द फिंड ब्रे वाइट को हराकर जीत सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो शुरुआत करते हैं नंबर फाइव से। तो नंबर फाइव में आते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। तो आप सब यही सोच रहे होंगे भाई, अभी तो वो रॉ में और बने हुए WWE चैंपियन, तो जैसा कि आप सबको पता ही है ये सब चीज चेंज होने में ज्यादा टाइम लगता नहीं। जिस तरह वो समर स्लैम में अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप लूज कर स्मैकडाउन में जाकर वहां पर जीतकर WWE चैंपियनशिप वापस रॉ में आ गए, तो उन्हें स्मैकडाउन में भी जाने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। और सर्वाइवर सीरीज में WWE ने चैंपियन वर्सेस चैंपियन की मैच नहीं करवाई, तो हो सकता है WWE ने जरूर कुछ फिंड एंड ब्रॉक लेसनर के लिए फ्यूचर में सोच कर रखा हो, यानी कि इन दोनों का मैच करवाने के लिए। इसलिए क्या पता ब्रॉक लेसनर ही वो सुपरस्टार बने जो कि द फिंड को हरा कर जीत जाए यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो अब बात करें नंबर फोर की, देन नंबर फोर में आते हैं मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन। तो जैसा कि हम सब जानते ही है, ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ब्रे वाइट की हिस्ट्री काफी ज्यादा पुरानी है, क्योंकि ब्रे वाइट ही वो सुपरस्टार है जो कि ब्रॉन स्ट्रोमन को लाए थे WWE में, और ये दोनों रियल लाइफ में काफी अच्छे फ्रेंड है। और ब्रॉन स्ट्रोमन स्मैकडाउन में से कुछ गिने चुने सुपरस्टार्स में से आते हैं जो कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फाइट कर सकते हैं द फिंड से। इसलिए क्या पता ब्रॉन स्ट्रोमन ही वो सुपरस्टार हो जो कि अपने गुरु को हराकर जीते अपनी पहली यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो अब बात करें नंबर थ्री की, देन नंबर थ्री पे आते हैं और कोई नहीं, वो है डीमन किंग। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, डीमन किंग मेन रोस्टर में अनडिफिटेड है एंड वो वापस NXT चले गए जहां पर उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुक किया जा रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी मेन रोस्टर में आकर फाइट नहीं कर सकते। और फिन बैलर ने जिस सुपरस्टार को लास्ट फेस किया था मेन रोस्टर में वो थे द फिंड ब्रे वाइट। और रूमर तो आ रहे थे कि हमें समर स्लैम में डीमन आते हुए दिख सकते हैं, बट हमें नॉर्मली फिन बैलर देखने को मिले। इसलिए क्या पता नेक्स्ट ईयर जब फिन बैलर वापस से आ जाए मेन रोस्टर में और अगर WWE उन्हें स्ट्रॉन्ग बुक करना चाहती है, तो हो सकता है हमें उनका डीमन कैरेक्टर हराते हुए दिखे द फिंड को, और फर्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन फिन बैलर बनते हुए दिखे फिर से यूनिवर्सल चैंपियन। क्योंकि अगर WWE ने समर स्लैम में डीमन वर्सेस फिंड का मैच नहीं करवाया है, देन WWE डेफिनेटली इस मैच को फ्यूचर में जरूर करवाना चाहेगी। तो अब बात करें नंबर टू की, तो नंबर टू पे कोई और नहीं, वो है द डेड मैन अंडरटेकर। अब आप लोग बोलोगे कि भाई तू अंडरटेकर को कहां से ले आया, तो जैसा कि आप सबको पता है, ये लगभग तीन चार महीने पहले WWE काफी ज्यादा टीज कर रही थी अपने सोशल मीडियाज पर इस मैच को, और मैंने आप सबको इसके रिलेटेड अपडेट भी दी थी। और ब्रे वाइट से नीचे एक डिजिटल वॉच गिरी थी उनके फायरफ्लाई फनहाउस के सेगमेंट के दौरान, जिसमें लिखा हुआ था 11/19, और ये डेट वही डेट है जिसमें अंडरटेकर ने अपना डेब्यू किया था WWE में 19 नवंबर। और इसके बाद सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि या तो ये मैच हमें देखने को मिलेगा क्राउन जूल में या फिर रेसलमेनिया में। क्राउन जूल में तो हमें देखने को नहीं मिला और रेसलमेनिया अभी दूर है, तो क्या पता हमें अंडरटेकर वर्सेस द फिंड के बीच मैच देखने को मिल जाए यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 36 में। और भाई ये मैच कौन देखना नहीं चाहेगा। अब मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट मैंने आप सबको लगभग 4-5 महीने पहले कहा था कि द फिंड वर्सेस ब्रे वाइट के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हमें मैच देखने को मिल सकती है, जहां पर ब्रे वाइट जाएंगे एज अ चैलेंजर और अंडरटेकर एज अ चैंपियन। अगर मुझे वो वीडियो मिली थी, देन आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देखने को मिल जाएगी। इसलिए क्या पता अगर अंडरटेकर का ये लास्ट रेसलमेनिया, देन WWE उन्हें यहां पर नहीं हराना चाहेगी और उन्हें बना दे यूनिवर्सल चैंपियन द फिंड ब्रे वाइट को हरा कर। बट अब बात करें अपने नेक्स्ट एंड लास्ट सुपरस्टार के बारे में जो कि हरा सकते हैं द फिंड ब्रे वाइट को, और इस पूरे लिस्ट में उनके सबसे ज्यादा चांसेस है, तो वो कोई और नहीं, वो है द बिग डॉग रोमन रेंस। अब रोमन रेंस का नाम मैंने इस लिस्ट में नंबर वन में इसलिए रखा है क्योंकि रोमन रेंस भी गिने चुने सुपरस्टार्स में से आते हैं जो कि फेस कर सकते हैं द फिंड ब्रे वाइट को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि रॉयल रंबल 2020 में रोमन रेंस के सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो जीतने वाले हैं 30 मैन रॉयल रंबल मैच को बैटिंग ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग। अब बैटिंग ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग ही पिछले दो साल से विनर निकल कर आ रहे, क्योंकि शिंस्के नाकामुरा एंड सेथ रॉलिंस भी बैटिंग ऑर्ड्स में ही नंबर वन पर थे। इसलिए क्या पता इस बार भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल जाए और रेसलमेनिया 36 के लिए रोमन रेंस वर्सेस द फिंड ब्रे वाइट के मैच के अपडेट निकल कर आने लगे कि ये मैच हमें देखने को मिलेगा रेसलमेनिया 36 के मेन इवेंट में। और जब भी कोई मैच रेसलमेनिया के मेन इवेंट में होने वाला होता है, देन उसकी रूमर पहले से ही आने चालू हो जाती है, जैसा कि रोमन वर्सेस ब्रॉक का हुआ था, जैसा कि बैकी लिंच और रोंडा रॉजी का हुआ था, भले ही उसमें शार्लेट फ्लेयर को ऐड कर दिया। इसलिए कह सकते हैं इसके अभी काफी ज्यादा चांसेस है कि द फिंड को जो हराएंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, या फिर जिसके रेसलमेनिया 36 में फिंड को फेस करने के सबसे ज्यादा चांसेस है, वो है रोमन रेंस। लेकिन गाइस आप सब मुझे कमेंट करके बताइए
कि आप इन पांचों में से कौन से सुपरस्टार को देखना चाहते हैं कि वो हराए द फिंड ब्रे वाइट को एंड बन जाए यूनिवर्सल चैंपियन। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।